भाई मैं आज के बाद नहीं कराऊंगी ये सब। आई गॉट सो पिस्ड। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार आपনালোক সকলোকে মোর ইউটিউব চ্যানেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। सो गाइज आज जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख के गैस नहीं, आप लोगों को पता चल गया कि आज मैं करने जा रही हूँ अपने बालों का स्वाहा। बहुत ज़्यादा एज यू कैन सी ड्राई एंड रफ और बेजान हो गए हैं मेरे बाल, तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ हेयर कट। और वैसे भी 23 तारीख को मेरी गाड़ी आने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपना लुक चेंज कर लूँ। और आई हैव नेवर ट्राइड हेयर कलर इन माई लाइफ एवर। मुझे ऐसा था कि नहीं हेयर कलर करूँगी तो बाल खराब हो जाएंगे, वो तो अभी भी हो ही जाएगा, पर मैंने सोचा कि यार एक ही जिंदगी है, ट्राई करने में क्या हर्ज है, एक बार कर लेते देखा जाएगा। पर मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं करूँगी, बस एंड में थोड़ा सा कलर करूँगी कि सूट करता है कि नहीं करता है, इनकेस बाल बहुत ज़्यादा खराब हो गया तो जब लंबे हो जाएंगे तो फिर मैं कलर को काट सकती हूँ, मतलब शॉर्ट कर सकती हूँ फिर से, तो इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब हेयर फॉल वैसे नहीं होगा शायद, मुझे उतना जितना पता है। सो लेट्स गो एंड सी कि कैसा होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, आई डोंट नो, आई एम वेरी नर्वस, तो लेट्स गो। और अभी हम कैब में बैठ गए एंड अभी जा रहे सौरभ के साथ। सौरभ इज बिजी मेकिंग थंबनेल फॉर मी, तो बहुत बिजी है बहुत। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा बांद्रा, बहुत दिनों बाद बांद्रा की तरफ जा रहे हैं। लास्ट हम कब गए थे बांद्रा की तरफ, कितिया कुछ लोग हाँ जब भैया ये लोग आए थे तभी गए थे, बहुत दिन ही हो गया। हम एक्चुअली घर में ही ज़्यादा हम घर में ही ज़्यादा वक्त रहते हैं क्योंकि वीडियो शूट करना होता है, एडिट करना होता है, थंबनेल बनाना होता है, तीन तीन चैनल मेंटेन करने में बैंड बज जाती है गाइज। और अगर आप अच्छे से करना चाहो मतलब एकदम डेडिकेशन के साथ तो बहुत वक्त देना पड़ता है, ऐसा ईजी नहीं है, मतलब ईजी लगता है, ईजी नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो हम ऐसे आसपास में ही घूमते रहते हैं, जैसे ग्रोवल्स मतलब कांदिवली मलाड उस तरह भी जाते, पर आज हम जा रहे हैं बांद्रा। और बांद्रा के वहाँ पे है वो सलून, अभी होपफुली अच्छा होगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, सीधा वहाँ पे लेके चलती हूँ आप लोगों को। तो थोड़ा सा जगह इधर उधर हो गया, हम जा रहे हैं कुर्ला की तरफ बांद्रा। एक्चुअली उनका आई थिंक दो ब्रांच है, एक उस तरफ है और एक इस तरफ है। कुर्ला है अंधेरी के भी आगे और मैं कभी नहीं गई हूँ उस तरफ, तो इस बार पहली बार जाऊँगी। सो लेट्स गो। Thank you.
सब बहुत इरिटेशन होती है, बहुत अलग लेवल की इरिटेशन होती है। काटूंगी, कैरेटिन भी चलो चाहिए, इतना नहीं कुछ करना पड़ता, पर ये फॉइल लगा के ऊपर से मेरा इतना भारी हो गया है ना। मैंने उसको बोला है वो ऐसे बैठा है तो हेड मसाज ले ले, तो उसको भी थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाएगा। मुझे तो हो नहीं रहा रिलैक्सेशन, वही रिलैक्स कर ले। बहुत बहुत मगज मारी है भाई। ऐसा ही होता है जब लोग आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदते, दिन में उसको 25 बार साफ़ करते, चाहे खुद साफ़ ना हो पर फ़ोन को उतना साफ़ करेंगे। इसलिए भाई हमारा ऐसा ही है, हम 12 आईफोन 12 लेके बैठे हुए हैं, सो वी आर चिल्ड, चाहे कुछ भी हो जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ये इनको देखो। एंड फाइनली सौरभ इज़ टेकिंग हेड मसाज, चलो शुक्र है कम से कम वो तो रिलैक्स कर रहा है, क्योंकि मुझसे तो हो नहीं रहा। लुक एट हिज स्माइल गाइस, मुझे देख के ऐसे जेलसी सी हो रही है कि काश मैं भी ऐसे सो सकती थी, पर ऐसे फॉइल की दुकान में बैठी हूँ मैं, मुझे लग रहा है अभी मेरा ये बन जाएगा कीमा। देखो हंसी तो देखो लड़के की। नाउ फाइनली आई एम गोइंग टू वॉश माई हेयर। पता नहीं ऐसा मतलब लग रहा है कि सालों से मैं ऐसे ही हूँ, बहुत ज़्यादा ही रिलीफ फील हो रहा कि यू कैन सी द कलर। आई जस्ट होप ये वैसे ही होगा जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बहुत देर बाद मेरा भी मसाज हो रहा था, पर हो कह रहा था वॉश बेसिन में, ना उसमें मैं सो सकती हूँ ना चल मार सकती हूँ। और हेयर वॉश हो गया है फाइनली, बहुत बहुत टाइम बाद, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आई एम वेरी हंग्री, क्योंकि कब से बैठे हैं हम, 3 बजे से बैठे हैं भाई, अभी 8 बजे है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, वो सब बातें हम बाद में करेंगे। तो अभी फाइनल लुक बाकी है, हेयर ड्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं मिलूंगी आप लोगों से द फाइनल। कुछ फाइनली ख़त्म हो गया और हमें बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही थी, हम आ गए फिर बांद्रा तक और वहाँ पे हमें मिल गया ये योको सिज़लर, गए और सबसे पहले हमने ऑर्डर किया चिकन स्वीट कॉर्न सूप विच वाज वेरी वेरी टेस्टी, और ठंड भी हमें बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि बहुत चिल था। और फिर आ गया हमारा चिकन सिज़लर विच वाज वेरी वेरी टेस्टी, और ये सब खा के आ गए हम सीधा घर। और अभी मैं आ गई हूँ घर आफ्टर अ वेरी वेरी टायरिंग डे। सोचो 3 बजे से लेके 9 बजे तक मैं बैठी हूँ उस जगह पे, मुझे मतलब कहाँ दर्द हो रहा है आप लोग समझ लो, इफ यू नो देन यू नो, मतलब ऐसा हो गया कि मेरे को घर जाने दो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, जो मुझे हुआ है महसूस उससे तो मैं बिल्कुल अंडर एक्टिंग ही कर रही हूँ, मेरा इतना मन गया घर आने का। लाइक इफ यू आर पर्सन जिसके पास बिल्कुल पेशेंस नहीं है तो भाई मत करवाने जाओ कलर वलर, ऐसे ही रहो जैसे झल्ले हम हैं, वैसे ही सही है, वैसे ही ठीक है, से नहीं हो पाएगा, इतने इतने घंटे बैठो और ये सब कराओ और फिर उसके बाद आओ। मैं वो जो सलोन जिनका है मतलब इमरान, वो आके मुझे बोल रहे अरे यू हैव डन सच अ ब्यूटीफुल कलर, प्लीज शो सम एक्साइटमेंट। एंड आई वाज लाइक होने दो फुल, अरे दिस कलर इज लुकिंग सो गुड ऑन यू, थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो दिखाओ, थोड़ा सा नहीं है भाई एक्साइटमेंट नहीं है, खत्म हो गई है एक्साइटमेंट, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। इतनी देर तक ऐसे नहीं बैठ सकती मैं, मुझे 1 सेकंड में इधर जाना है उधर जाना है, ये करना है वो करना है ऐसा, और मेरा ऐसा था कि ये भगवान और सारे कलर्स ये सब कुछ ऐसे सामने आ रहा था और मेरे को लग रहा था भाई मुझे यहाँ से निकालो कोई प्लीज। एनीवे तो दिस इज द फाइनल लुक गाइज, बहुत ज़्यादा यू नो ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि जिंदगी में मैंने पहली बार कलर किया, जैसे कि मैंने पहले ही बोला इससे पहले मैंने कभी कलर नहीं किया था, तो पहली बार मैं कलर कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं एकदम इधर से हरा इधर से पीला इधर से नीला करके आ जाओ और फिर
लोग भागे मुझे देख के, मैं नहीं चाहती थी ऐसा बिल्कुल. तो मैंने सोचा था कि बिल्कुल सटल कलर करूँगी जो यू नो धूप में भी देखने को अच्छा लगेगा, मतलब बाहर देखने को अच्छा लगेगा. और बहुत Did you just burp on national television? बहुत ओवर भी नहीं लगेगा. तो इसलिए मैंने सोचा कि बिल्कुल मैं मतलब रेफरेंस लेके गई थी उनके पास कि मुझे ऐसा ही करवाना है. और जो ये कर्ल आप देख रहे हो वो तो बस इन लोगों ने अच्छा देखने के लिए पार्लर से करके भेजा है. कल अभी तक खुल ही गया, जब होते मतलब किया था तब और ज़्यादा था, कल तक पूरा स्ट्रेट हो जाएगा. तो मेरे बालों में कर्ल स्ट्रेट कुछ भी नहीं रहता है, मेरे बाल बहुत डीट है मेरी तरह. उसको जैसे रहना है अपनी मर्जी से, वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा. तो दिस इज़ द फाइनल लुक. आई काइंड ऑफ लाइक इट. या मतलब इट्स नॉट लाइक बिल्कुल वैसा नहीं हो गया है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक बार कट किया था. पहली बार जब मैंने हेयर कट किया था तब मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी भी इतना शॉर्ट नहीं किया था. तो जब पहली बार किया था तो मेरे को लगा था नाइस, पर इस बार क्योंकि मैंने इससे पहले भी किया है तो दिस इज लाइक ठीक है, मतलब मेरे लिए ओके चल रहा है. बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि हु, और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं लग रहा है मेरे को, अच्छा ही लग रहा है ना, कि और थोड़ा शॉर्ट कर सकती थी. तो मैं सोच रही हूँ अगर कल परसों मेरे बाल फिर से पहले जैसे, अभी तो बहुत सॉफ्ट लग रहा है क्योंकि अभी करा के आई हूँ, तो अगर फिर से मतलब फ्रिजी ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं जाके कैरेटिन कर लूँगी एक दो हफ्ते बाद. तब ना बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं. मेरी एक्चुअली द प्रॉब्लम इज विद माई हेयर कि मैं उसको खोल के कहीं पर नहीं जा सकती. इफ़ आई हैव टू गो समवेयर, मुझे अपने बाल को बांधना पड़ता है, इधर एक बन बनाना पड़ता है या फिर पोनी बनाना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ता है, पर मैं बाल खोल के नहीं जा सकती. दैट इज़ वन इशू विथ मी. और इसके वजह से मुझे छोटा करना था सो दैट आई कैन यू नो ओपन माय हेयर और मैं बाहर जा सकूँ. रोज सेमी स्टाइल हो गया था. मुझे तो लोग कमेंट में भी बोल रहे थे कि एक ही बन कितनी बार बनाओगे दीदी, चेंज कर लो. तो दीदी ने चेंज कर लिया फाइनली. योर दीदी जस्ट डिड इट. तो आई जस्ट होप. और बाकी रिव्यू की अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक्चुअली बहुत ही स्लो लगा उनका प्रोसेस, बहुत ही स्लो लगा था, क्योंकि ऊपर से बहुत एकदम चिल्ड था माहौल, बहुत ठंडा था और कलर वलर की स्मेल आ रही थी, हिट प्रोडक्ट्स की स्मेल आ रही. हो सकता है कि टाइम लगे बिकॉज कलर किया है तो ज़्यादा हो गया तो उसे कम करना पड़ता है, ऐसा कुछ हो सकता है उसके वजह से. बट देन रियली 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 आवर्स. पहली बार तो मुझे जब लगा कि मेरा कलर कुछ अलग कर रहे, जो मतलब हाईलाइट करते हैं ना वो गोल्डन जैसा, एंड आई गॉट सो पिस्ड कि दिस इज़ नॉट द कलर आई वांटेड. तो उन्होंने बोला नहीं रुको अच्छे से हम वॉश करेंगे फिर उसको ब्लो ड्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा दिस इज़ नॉट द कलर. थैंकफुली दैट वॉज नॉट द कलर बिकॉज मुझे वो बन के तो बिल्कुल बाहर नहीं जा सकती थी मैं. एनीवे आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे कि कैसा है कैसा नहीं है. और मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में. मैंने पूरा 6 मिनट बात किया अभी. तो मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल, बाय.